Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: What's your partner current energy right now? आपके पर्सन की करंटली किस तरीके का चेंज है आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके पर्सन की फीलिंग्स में? मतलब कि क्या चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और एक करंट माइंडसेट में? ठीक है, ठीक है, आपके पर्सन का करंट माइंडसेट क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या करंटली आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं? ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट, उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, आप उसको वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे सारे ये पिका कार्ड रीडिंग्स होते हैं, पिका कार्ड टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, आप जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, वहाँ पे आप उसको अपने डेट ऑफ बर्थ से या स्टून की मदद से आप लोग वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी स्टून पसंद आया, जो भी आपको अपना अल्फाबेट हो आपका उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम ऑफ बर्थ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी टाइम ऑफ बर्थ से बोलिए बर्थ डेट से। ठीक है, बर्थ डेट से और अल्फाबेट से। ठीक है, ओके, तो वहां पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, यहाँ पर आपको डिटेल रीडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, डिटेल रीडिंग्स देखनी है तो यहाँ पर सब टाइमलेस है, वहां पर पिका कार्ड देखनी तो वो भी टाइमलेस है। ठीक है, लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी में आपके पर्सन की क्या चल रहा है आपको लेकर, करंटली योर पार्टनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, आपके पर्सन के थॉट्स में? Think about your partner. Think about your situation. What's going on in their partner's life? Work पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं आपके पर्सन। ठीक है, वर्कहॉलिक हुए हुए हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं आपके पर्सन, अपने सेल्फ पे भी काम कर रहे हैं, खाली अपने काम पे बिजी नहीं है आपके आपके पर्सन का, अपने काम पे फोकस नहीं है, अपने सेल्फ को भी आपके पर्सन एक जैसे के वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे भी काम कर रहे हैं, ब्रोकन है ये पर्सन अंदर से, कुछ इसने गलतियाँ, कुछ इसने खामियाँ, कुछ इसने गलतियाँ कर दी हैं। ठीक है, ये जैसे कि एक अपनी गलतियों को सही करना चाहता है, अपने सेल्फ में किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है। ठीक है, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, इसको क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, लेकिन अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्कहॉलिक हुआ हुआ है, सेल्फ पे काम कर रहा है, खुद को अकेला कर लिया है, लेकिन इसको लगता है अपने सेल्फ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ है जो मिसिंग है इसके सेल्फ में। ठीक है, इसको ये चीज़ फील हो रही है, इस इंसान को जिसको भी आप डील कर रहे हैं, किसी तरीके के न्यू स्टार्ट के लिए रेडी होना चाहता है, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपने आप को एक न्यू मूव देना चाहता है, किसी तरीके का चेंज यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पार्टनर एक विजडम, आपके पर्सन का विजडम जो है, नॉलेज जो है आपके पर्सन को पुश कर रहा है, कुछ यहाँ पर मैनिफेस्ट करो, कुछ चेंज मैनिफेस्ट करो, कुछ फिक्स माइंडसेट से बाहर आओ। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, बहुत फिक्स माइंडसेट के हैं। ठीक है, डेस्टिनी आपके पार्टनर की डेस्टिनी कुछ चेंज कर रही है, आपके पर्सन बहुत कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आपके पर्सन की डेस्टिनी यहाँ पर आपके पार्टनर को काफी क्लैरिटी दे रही है, आपके पर्सन यहाँ पे क्लैरिटी पे है, आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में किसी तरीके की चेंज लेकर आना है, अपने सेल्फ में किसी तरीके का चेंज लेकर आना है, अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लेकर आना है, और ये कोई गाइडेंस, कोई गाइड कर रहा है आपके पर्सन का, कोई गुरु हो सकता है या कोई बहुत ज्यादा टीचर, स्पिरिचुअल कोई आपके पर्सन का गुड एडवाइजर हो सकता है। ठीक है, कुछ आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है आपको लेकर, पॉजिटिविटी पे है ये पर्सन, कुछ पॉजिटिव सोच रहा है, कुछ पॉजिटिव यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ यहाँ पर पॉजिटिवली चेंज हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे एक विजडम से काम ले रहा है, काफी ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट का हो सकता है। ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा कोई इस पर्सन का कोई मतलब के कोई मेंटोर हो सकता है, उससे कनेक्टेड है, कोई गाइड करता है, कोई अच्छा गुड एडवाइजर है, अगर फ्रेंड भी है तो बहुत अच्छी एडवाइस देता है। कोल्ड हुआ हुआ है और थोड़ा सा ड्राई हुआ हुआ है, अपनी लाइफ में अपनी मतलब कि अपनी खामियों को देखने के लिए तैयार है, शायद एक्सेप्टेंस पे नहीं था, समझने के लिए तैयार नहीं था कि मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ, मैंने भी मुझ में भी कोई गलती हो सकती है, या मैं भी सिचुएशन को मैंने भी इसमें कुछ ना कुछ अपना पार्ट निभाया है गलत करने में। ठीक है, तो एक न्यू विजन है इस इंसान के पास। ठीक है, एक न्यू चीज़ों को समझने का तरीका है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग लेंगे और आपके पर्सन की लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, पास्ट साइकिल, पास्ट चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं, पास्ट टॉक्सिसिटी खत्म हो चुकी है, पास्ट तरीके से चीज़ों को जो अब तक डील कर रहा था उस तरीके से डील नहीं करना चाहता और ना ही अब कर सकता है, ऐसी सिचुएशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, जो पास्ट पैटर्न था वो ब्रेक हो चुका है, इस पर्सन को खुद लगता है अगर इसने पास्ट पैटर्न नहीं ब्रेक करा तो इसकी लाइफ में ऐसी ऐसी डिस्टर्बिंग एनर्जीज आ रही हैं,
अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसी ऐसी चीजों को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में जो उसको लगता था कि कभी नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि इसके कोई बैड कर्मा इसके साथ जानबूझकर या अनजाने में इससे प्ले हो चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर मैंने इस वक्त अपने आप को नहीं सुधारा या अपनी अपनी गलतियों को सही नहीं किया तो आगे जाके लाइफ और डिस्टर्बिंग होने वाली है। राइट नाउ आपके पर्सन काफी एक इंटेंस एनर्जी या इंटेंस फीलिंग्स में है, गिल्ट में है। आपके पर्सन खुद को चेंज करने पे वर्क कर रहे हैं, कोल्ड हो सकता है, मिच्योर हो सकता है, एज ज्यादा हो सकती है, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में, शायद आपके साथ हुआ, शायद किसी और ने किया, लेकिन कुछ रियलाइजेशन फेज जरूरी है, ठीक है, जैसे कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ये पर्सन अब ट्रस्ट करना चाहता है प्रोसेस पे, चीजों को सबको अपने एक रेजिस्टेंस खत्म हुई है, चीजों को हर सिचुएशन को हर डिसीजन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, ठीक है। इसने पास में बस अपनी लाइफ को, इसको लगता था अपनी लाइफ को जैसे चलाएगा वैसे चलेगी, नहीं, डेस्टिनी जैसा चाहती है हमारी लाइफ वो चलती है, यूनिवर्स जैसा चाहता है हमारी लाइफ वैसे चलती है, ठीक है। एक ट्रस्ट द प्रोसेस, ये वाला इसको सेंटेंस समझ में आया, मुझे प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी है, अपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है, क्लाउडेड एनर्जी, मतलब कि एक्शन लेने के लिए पर्सन थोड़ा सा कोल्ड हुआ हुआ, इसलिए अबंडेंस। हाँ, काम कैरियर पे तो फोकस ही अपनी अबंडेंस, अपनी लाइफ में अबंडेंस, कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाहता है जिसमें लाइफ में खुशियां आए, पीस आए, ठीक है। अब इससे ज्यादा स्ट्रेस या नेगेटिविटी ये फील नहीं करना चाह रहा, ठीक है। कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का कोई रोल हो सकता है, शायद अपने इसने कम्युनिटी या सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ ऐसी चीजें करी जिसको ऐसा लगता है जिसने इसको एक मेंटली तौर पर फेड अप कर दिया, बेजार कर दिया, थका दिया, किसी ऐसी जगह शादी कर ली, ठीक है। या देखिए सेल्फ विक्टिमाइज, इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर फैमिली या कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है, या तो इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया, किसी और से मैरिज कर ली, इसको ऐसा लगता है कम्युनिटी का सेल्फ विक्टिमाइज करता है, ये अपने आप को विक्टिम समझता है पूरी सिचुएशन में, ठीक है। अब तक ये विक्टिम ही समझ रहा था अपनी जिंदगी को, इसके लिए स्टैग्नेंट है, ठीक है, एक स्टैग्नेंट है, ये अपनी जिंदगी में स्टकनेस को खत्म करना चाहता है, कुछ ऐसे डिसीजन या कुछ ऐसी चॉइसेस जिसने इसको एंजाइटी में डाला हुआ है, ठीक है। मैं ये तो कहूँ किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, ठीक है, एक रीबर्थ लाना चाह रहा है, एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे, एक रीबर्थ, ठीक है। इस पर्सन का फोकस है अपनी लाइफ को एक रीबर्थ की तरफ ले जाना, ड्यूलिटी, ठीक है। इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूँ, इसकी जिंदगी में चॉइसेस बनी रही हैं, इसने कुछ ऐसी चॉइसेस पे इसने या तो चूज कर लिया, कुछ इसने ऐसा ऐसी चीज चूज कर ली जो सेल्फ विक्टिमाइज, एक कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटी प्रेशर हो सकता है, कम्युनिटी माइंडसेट हो सकता है, जिसकी वजह से इसने ऐसा कुछ चूज करा है जिसने इसकी लाइफ को स्टक और ब्रोकन कर दिया, ठीक है। और अपनी गलती पास में तो समझ में नहीं आई, अब गलती समझ में जरूर आ रही है, कहीं से इसको वही सब कुछ रिटर्न मिल रहा है, कहीं से इसको अपनी जिंदगी को ये स्टक फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है उसने इसने अपनी सोच से तो ऐसे डिसीजन लिए थे जिसकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ आएगी और पीस आएगा, ठीक है। आपके पर्सन या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ को कहीं स्टक और ब्लॉक करके बैठे हुए, ठीक है, अब थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन से मुकम्मल तौर पर रिलीज या निकलना चाहते हैं, कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है या टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं। आपके पर्सन को बहुत टाइम तक लग ही नहीं रहा था वो सब टॉक्सिक है, आपके पार्टनर को लग रहा था वो लोग सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है वो सब वेल विशर है, सब बहुत अच्छा चाहते हैं, वो यूज कर रहे थे, वो इस्तेमाल कर रहे थे। आपके पार्टनर को ये चीज बहुत देर में समझ में आई कि ये इंसान उन लोगों से सिर्फ इस्तेमाल और यूज हुआ है अब तक, ठीक है। सेल्फ विक्टिमाइज, कम्युनिटी को सेल्फ विक्टिमाइज, अपने आप को विक्टिम समझना, नहीं, विक्टिम नहीं होता इंसान, चीटिंग चॉइस होती है, ठीक है, हमेशा चीटिंग चॉइस होती है। अगर हम किसी को लेट सपोज हमें कोई एक मतलब कि कंटिन्यूसली कोई हमें तंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन है ब्लॉक कर दो भाई, कोई हमें कंटिन्यूसली कोई हमसे बात करना चाह रहा है, हमारे पास ऑप्शन है, हम जवाब ना दें, ठीक है, कोई कंटिन्यूसली हमें किसी चीज को प्रवोक कर रहा है, हम ऑप्शन है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज स्टार्ट की ना जाए उसको खत्म करने की नौबत कभी नहीं आती है, कुछ आप नेगेटिव टॉक्सिक स्टार्ट करते हो तो नौबत आती है ना उसको खत्म करने की, जब स्टार्ट ही नहीं करोगे, सीधी सी बात है, लोग अपनी लाइफ में जो है ना ग्रे पार्ट बहुत ज्यादा रखते हैं, या तो व्हाइट रखो या तो ग्रे रखो या तो ब्लैक रखो, ग्रे व्रे कुछ नहीं होता लाइफ में, या आप अपने आप को भी स्टक करते हो, किसी और को भी स्टक करते हो, ठीक है। आप चॉइसेस क्रिएट कर देते हो और फिर सोचते हो वो इंसान हमारे लिए वेट करेगा, अरे वो एक वेट कर रहा है तो वो आप वो एक डिवाइन की मर्जी से वेट कर रहा है, जिस दिन उसने डिवाइन ने उसका माइंड चेंज करा आपको दूर दूर तक वो इंसान दिखने नहीं वाला अपनी लाइफ में, ठीक है। डिवाइन चाहता है तो डिवाइन चाहता है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो, तो वो वेट कर रहा है, ठीक है। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी को, ये प्रोटेक्शन होती है डिवाइन की, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कोई आपको रिजेक्ट कर सकते, डिवाइन कहीं नहीं, डिवाइन अगर आपको प्रोटेक्ट करना चाहेगा तो सामने से रिजेक्शन ही दिलवाएगा,
कुछ लोग कहते हैं भाई वो चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, नहीं वो चीज नसीब में ही नहीं थी, वो चीज डेस्टिनी में नहीं थी, वो चीज तकदीर में ही नहीं थी, कैसे हो सकती थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को समझनी चाहिए। आपके पर्सन ने आपको स्टैग्नेंट रखा, आपको क्लोजर नहीं दिया, आपको आपको स्टक करके रखा, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहे, एक्सप्लोर करते रहे, लोगों को डेट करते रहे या लोगों को एंटरटेन करते रहे, या बहुत ज्यादा किसी ने इस पूरे केस में उठाकर किसी और से शादी कर ली। ठीक है, स्पेसिफिक कोई ऐसा पर्सन होगा, ये कुछ लोग मैरिड कपल्स भी देख रहे होंगे किसी, या तो अनमैरिड कपल भी देख रहे होंगे कि आपको छोड़कर जब बातें सारी आपसे हो रही थी, रिलेशनशिप आपसे था, मैरिज उठा के किसी और से कर ली, पूछा गया तो क्यों, कम्युनिटी प्रेशर था, एक सेल्फ विक्टिमाइज, अपने आप को विक्टिम बना दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कैसे किसी से शादी कर सकता है। अगर किसी के दिल में किसी के लिए कुछ है तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि लड़की हो या लड़का, मैं नहीं मानती कि आपको वहां से हिला सके। ठीक है, किसी को निभानी थोड़ी है, निभानी तो एट दी एंड आपने ही है ना। बोलेंगे भाई चलो कितना ही जिद करके करवा दे, लेकिन शादी को निभाएगा कौन, ये लड़की है ये लड़का। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, इस इंसान ने अगर अपने आप को एक विक्टिम बनाया तो रॉन्ग। ठीक है, ये चॉइस थी इसकी, इसने ऐसा डिसीजन लिया, इसने डिसाइड किया मैं चीटिंग करूंगा, इसने डिसाइड किया मैं कम्युनिटी को वजह बना दूंगा, इसने डिसाइड किया मेरा मेरा कहीं और मुझे अपनी सुकून मिलेगा, एक मतलब के सरेंडर कर दिया इसने। दी हैंगमैन की एनर्जी, एंजाइटी की एनर्जी, एक एंजाइटी में है ये पर्सन, स्ट्रेस में है, एक मतलब के अपने ही फैसले, अपने ही डिसीजन, एक अपना ही कार्मा, एक मतलब के कार्मा इसको एक एक मतलब के कार्मा हिट कर रहा है इस पर्सन को राइट नाउ। अपने सेल्फ पे काम करने के लिए, अपने सेल्फ को ये यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहे हैं, अपने सेल्फ को चेंज करो, अपने सेल्फ में कुछ चेंजेस लेकर आओ, क्लैरिटी लेकर आओ। तुम्हारे सेल्फ में तुम्हें ही नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए था, तुमने दूसरों के या अपने मतलब के शॉर्टकट के चलते, या अपनी लाइफ में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, या मतलब के फैमिली की मर्जी की होगी, ना ज्यादा मेहनत होगी, ना कुछ होगा, ना संभालना पड़ेगा, ना फाइट करनी पड़ेगी। जो लोग लड़ते नहीं है वो कभी कुछ पा नहीं सकते। ठीक है, कभी कुछ अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना है। आप अपनी लाइफ में जब जब आप अर्निंग करना चाहते हो तो नींद को खराब करते हो, अपने सुकून को खराब करते हो, अपनी गैदरिंग्स छोड़ते हो, अपना टाइम यूटिलाइज करते हो, अपना टाइम मैनेज करते हो, जहां आपको मजा आता है वहां से टाइम निकाल कर अपना आप वहां काम करते हो जहां से आपको पैसे मिलेंगे, कुछ खोते हो ना, कुछ खोकर पाना पड़ता है। अगर कुछ आपको एक मीनिंगफुल चाहिए ना, आपको फाइट करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ वो आसान बात है, आपका कोई पर्पस नहीं, आपको कुछ नहीं, आप जैसे आए वैसे चले जाओगे वापस, तो वो बात अलग है। ठीक है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ चाहिए अपनी जिंदगी में, कुछ मीनिंगफुल चाहिए आपको, आपकी कोई मायने है आपकी जिंदगी के, तो फाइट करो, लोगों से फाइट नहीं करो, अपने राइट के लिए फाइट करो, अपने हक के लिए फाइट करो। ठीक है, राइट रहो, राइट रहोगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको, अल्लाह आपको इतना स्टेमिना देगा कि आप सच के लिए लड़ना जानते हो। ठीक है, सच के लिए फाइट करना जानते हो, आपका कार्मा अच्छा होना चाहिए, गुड कार्मास होने चाहिए आपके। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली फाइट करोगे, एक टाइम आएगा कितना ही लोग दुनिया आपको गलत साबित कर दे, आपकी जो रियल सेल्फ होगा वो दुनिया के सामने आ जाएगा। देखें कभी भी लोग जो है ना अपना सही चेहरा छुपा नहीं सकते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल में, 8 साल बाद वो एक चेहरा सामने आता है, 6 साल बाद, 10 साल बाद वो चेहरा सामने आता है जो एक राइट फेस होता है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कोई इंसान अपना एक एक रियल सेल्फ हाइट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई अपनी असलियत कभी छुपा नहीं पाएगा इस माशरे से, सोसाइटी से, इस दुनिया से, लोगों से। ठीक है, आप जो हो ना, आप जो एक राइट आपका जो करेक्टर है, आपका जो राइट आपका जो पर्सनैलिटी है, वो आपका सामने आता है। ठीक है, इस चीज के लिए तैयार रहो। ओके, आपके पर्सन अपने आप को एक तराश रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने आप में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक चेंज अपनी जिंदगी में, कुछ आपके पर्सन को कोई ऐसा मेंटोर मिला है गाइडेंस के लिए, कोई ऐसा आपके पर्सन को कोई एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, या आपके पर्सन का एक वेल विशर हो सकता है जो आपके पर्सन को गाइड कर रहा है। आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कहीं आपके पर्सन ने आपको या तो कहीं ऐसे स्टक किया। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत से ऐसी चीजें ऐसी की हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन आज स्टक और ब्लॉक है अपनी लाइफ में, अबंडेंस स्टक हुई भी है। ठीक है, पैसा स्टक है, खुद स्टक है, ये इंसान एंजाइटी में है, अपनी जिंदगी में एक रीस्टार्ट चाहता है, ड्यूएलिटी में है। ठीक है, ओके, आपसे ये इंसान क्या चाह रहा है, लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम यू।
कि इंसान आपसे क्या चाहता है राइट नाउ, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, जब ये पर्सन आपके माइंड में है ये आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप जो होल्ड बैक करके रखे हुए ना, जो अपने आप को आप अलाउ नहीं कर रहे इसकी तरफ कम्युनिकेट करने के लिए, आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, आप काफी साइलेंट हो चुके हैं, स्ट्रबन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रबन एनर्जी है आपके अंदर, आप इसको एक डेविल समझते हैं, टॉक्सिक समझते हैं, आपका जो परसेप्शन है काफी नेगेटिव और टॉक्सिक है। आपको ऐसा लगता है जब जब आपने इस पर इन्वेस्ट कराया, जब जब आपने अपनी एनर्जी इसको दी है, एक सिर्फ एनर्जी को आपने अपनी वेस्ट ही करा है, आपने इसकी इसने आपकी एनर्जी फील्ड में आके आपको काफी ज्यादा बर्डन सम ही करा। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि यहाँ पर आप एफर्ट करें, आप यहाँ पर जैसे कि एक मतलब कि आप यहाँ पर इस रिश्ते को बनाने के लिए एक एफर्ट लें। आप तो यहाँ पर सक्सेस चाहते थे, आप तो यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे, आप क्यों इतने मतलब के इतने एक स्टबर्न एनर्जी में, इतने साइलेंट हुए हैं। आपकी आपकी एक अवेकनिंग हो रही है, आप हर्मिट एनर्जी में है, आप फोकस तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट जगह फोकस कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन पे नहीं। आपको पता है इस इंसान ने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, आपको स्ट्रेस के अलावा या डार्क नाइट ऑफ द सोल के अलावा इसने कभी आपके साथ वो नहीं किया जो आपको देना चाहिए, ठीक है। कुछ इसमें बहुत सी चीजें आपसे छुपाई, हाइड की अपनी लाइफ की, आपको ट्रुथ पता है, आपके आपको उसके सारे ट्रुथ रिवील हुए हैं, ठीक है। काफी स्नेकी बिहेवियर था इस पर्सन का आपके साथ, कभी भी सच ना बोलना, हमेशा एक चीजों को हाइड करना, आपसे छुपाना, ठीक है, आपसे सीक्रेट्स रखना, आपसे कोई इसने एक झूठ नहीं बोला, लाखों झूठ बोले और सारा ट्रुथ आपके सामने। आपको ऐसा लगता है यही आपका एक जस्टिस है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, आपको काफी ग्रो करता हुआ देख रहा है, लेकिन आप इसे डिटैच हैं, या तो एम्परर वाली एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप प्राउडिश हो चुके हैं, आपके अंदर प्राउड आ चुका है, या तो आप बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो चुके हैं, ठीक है, अब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपका माइंडसेट कुछ इस टाइप का है, आपने खुद को होल्ड कर लिया है, ठीक है। आप एक कनेक्शन को बनाने की कंडीशन में नहीं है मेंटली तौर पे, ठीक है, आप खुद को होल्ड करके साइलेंट होके बैठ गए। आपका खुद के ऊपर एक मतलब के अपने ऊपर एक जैसे कि आपका एक जोर है, मतलब के आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है, आपका एक कंट्रोल आ चुका है अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।